प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। जीरो प्लेसमेंट बुक जो है पकड़ के झाड़िएगा ना, गिर जाएगा पन्ना। क्लास रेगुलर हो, सभी डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर है वो भी नियमित रहे। छात्र संघ की तैयारी कैसे चल रही है और आप कौन से उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? टी शर्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है साकेत कुमार। हम साकेत भैया के समर्थक हैं और सब जितना भी इधर का है सब उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। उनका मुद्दा क्या क्या है, कौन कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, उनका पहला मुद्दा है गर्ल्स का सुरक्षा। जितने भी भाई बहन हैं, बहन जितने भी हैं, PWC हो या MMC हो या फिर साइंस कॉलेज पटना कॉलेज, कहीं का भी बहन हो, उनकी प्राथमिकता है सुरक्षा देना। दूसरा मुद्दा है प्लेसमेंट। पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी और पटना साइंस कॉलेज, इधर MMC PWC जीरो प्लेसमेंट है। कहीं भी किसी प्रकार का प्लेसमेंट नहीं है, कहीं आईवे नहीं करता। सब डिग्री लेते हैं, उसके बाद कहीं दूर निकल जाते हैं। यहाँ जब आएगा प्लेसमेंट आएगा तब ना कोई रोजगार मिलेगा। कुछ आता ही नहीं है तो क्या रोजगार मिलेगा। कॉलेज में पढ़ाई की अभी ये व्यवस्था है, प्लेसमेंट नहीं है, और अभी कुछ समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से हैदराबाद यूनिवर्सिटी है ना, उस तरीके का यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ फंडिंग आया जाए। फंडिंग आएगा तब तो यहाँ मतलब सब छात्रों के साथ सब चीज पूरा किया जाएगा। जो भी चीज की व्यवस्था देखते हैं, लाइब्रेरी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बुक जो है ऐसा है, बुक झाड़िएगा ना, ऐसे पकड़ के झाड़िएगा ना, गर्दा पड़ा रहता, गिर जाएगा पन्ना। उसके पहले जितने भी छात्र नेता हुए, क्या इस पर काम किए हुए, कुछ सुधार किए जो अपने एजेंडे उन्होंने? आपको तो पता होगा, 3 साल रहे छात्र नेता, पिछला बार जो जीते कहूँ कैंपस में नजर नहीं आए। इसीलिए UG के छात्र हैं साकेत कुमार, इनको RJD पहली बार मौका दे रही है ताकि ये इतिहास बना सके। अच्छा, एक और हमेशा विवाद में रहता है हॉस्टल में, जो है हॉस्टल में असामाजिक तत्व घुसते हैं, लड़ाई झंझट ऐसे हमेशा अखबारों के पन्नों में या सुर्खियों में रहता है, इस पर क्या बोलेंगे? ये बात बता देते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती। आप टीचर बढ़िया भेजिएगा, जो काम प्रेम से कराया जा सकता है, छात्र को उपद्रव क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे उपद्रव? ये प्रशासन की पूरी गलती है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कैंडिडेट है CRJD से साकेत कुमार, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा कैंपेनिंग के जरिए माहौल भी बना हुआ है कि हम लोग इस बार जीत रहे हैं, क्योंकि बहुत ही संघर्षी उम्मीदवार है, हमेशा छात्रों के मुद्दों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो साइंस कॉलेज में फीस वृद्धि हो या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, PWC से लेके MMC तक, सभी जगह वो अपने मुद्दों और छात्रों के हितों के लिए खड़े रहते हैं। उनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या क्या है? चुनावी मुद्दा फर्स्ट यही है कि फर्स्ट सबसे पहले हम सभी छात्र और छात्राओं को सिक्योरिटी प्रदान करें, उसके बाद क्लास रेगुलर हो, सभी डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो भी नियमित रहें और सभी की क्लास रेगुलर हो, क्लास की जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको सबसे पहले भरपाई करना, और वो सभी हम लोग चुनाव में अगर जीतते हैं और जीत ही रहे हैं, इसके जस्ट अ मोमेंट 1 वीक के अंदर हम लोग VC सर से मिलेंगे, सभी चीज़ों की मांग को रखेंगे और इसके जरिए काम हम लोग शुरू करेंगे। कॉलेज में क्या क्या समस्याएं हैं, आप लोग तो छात्र हैं, पढ़ने भी जाते होंगे? पटना कॉलेज में मूलतः जो समस्याएं हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना हो चुका है, उसको नियमित मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। साथ ही यहाँ के जो कुछ फैकल्टी मेंबर है बहुत पुराने हैं, कुछ रिटायर कर गए हैं, तो उसमें नए रिसर्च स्कॉलर और साथ ही नए प्रोफेसर की बहाली हो, क्लास नियमित हो, साथ ही कुछ क्लासेस में पानी के लिए प्रॉब्लम है, टॉयलेट पुराने हो गए हैं, उस सबको बदलने की जरूरत है। बाकी यहाँ पढ़ाई की जो व्यवस्था है और जो पुराने प्रोफेसर्स हैं उनके पढ़ाने की जो शैली है अभी भी बहुत बढ़िया है, और उन लोगों का हम लोग सम्मान के साथ पढ़ते हैं और अनुशासित होकर सब लोग रहते हैं। आप तो हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग हॉस्टल में क्या क्या समस्याएं होती है, पानी की, शौचालय की, इस तरह की कोई समस्या यहाँ पे? हॉस्टल में जो समस्याएं थी, वर्तमान में हम लोगों के जो नए सुपरिटेंडेंट बने उसके जरिए लगभग समस्याओं को दूर कर ली गई, परंतु छात्र संघ चुनाव की जहाँ तक बात है, हम पिछली बार भी 2019 में जब चुनाव हुई थी तो हम उस समय थे यहाँ यूनिवर्सिटी में, छात्र संघ का एक ही मुद्दा रहता है कि चुनाव के समय में अपने वो रंग बदलते हैं और आके उतरते हैं मैदान में। पिछले बार भी जो कैंडिडेट से जीत के गए, हम लोग ने उनसे RO की मांग की थी, वो RO दिए, लेकिन अभी खराब पड़ा हुआ, उसमें कोई
ठीक करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी जरूरत है उनका छात्र संघ चुनाव के समय ही दिखता है, बाद में वो लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ इस बार का जो माहौल है, साकेत कुमार जो कैंपस का लड़का है, कैंपस के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा संघर्ष के जरिए अपनी मांगों को रखकर उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और हॉस्टल में जो है विवाद को लेकर जो है आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, हमेशा झगड़ा या फिर असामाजिक तत्व, इस तरह के खबरें चलती रहती हैं? तत्व की यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जो भी अलॉटेड हैं सभी वही लोग रहते हैं और झगड़ा के विवाद का जो समस्या था उसको हम लोगों ने सर से कह के सॉर्ट आउट कर लिया है। कैंपस में बाहरी लोगों का कोई आवागमन नहीं है, जहाँ जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वही लोग आते हैं और वो भी अपने मतलब एक रूल आईडी चेक करवा के आते हैं और अब माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई झगड़ा लगाया कोई नहीं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।